अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमं जीवेत वर्षशतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। उपयुक्त श्लोक से यह ज्ञात होता है कि ऋषि मार्कण्डेय पुराणों में वर्णित अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। मार्कण्डेय हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित ऋषि हैं जो भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति और अविश्वसनीय ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी विश्वास और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है और वर्तमान समय में भी लोगों को प्रेरित करती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार महान ऋषि मृकुंड और उनकी पत्नी मरुदमती महादेव के अनंत भक्त थे और उन्होंने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा था। परिणाम स्वरूप उन्हें दो विकल्प दिए गए। पहला, एक अल्प आयु वाला धर्मनिष्ठ और गुणवान पुत्र, दूसरा दीर्घायु वाला मूर्ख पुत्र। मृकुंड और मरुदमती ने प्रथम विकल्प का चयन किया और मार्कण्डेय को महादेव द्वारा एक अनुकरणीय पुत्र होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के आशीर्वाद अनुरूप मार्कण्डेय युवावस्था से ही अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान थे और उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय ध्यान और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए व्यतीत किया। 16 वर्ष की आयु में मार्कण्डेय को यह ज्ञात होता है कि शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस दुर्भाग्यपूर्ण बात से परिचित होते हुए भी वह और अधिक उत्साह से भगवान शिव के प्रति समर्पित रहे, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। अपने 18वें जन्म दिवस पर जब वह भगवान शिव के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, उसी क्षण मृत्यु के देवता यम उन्हें ले जाने के लिए उनके सामने प्रकट हुए। यम आगमन के पश्चात भी मार्कण्डेय शिवलिंग से चिपके रहे और जाने की बात सुनकर अस्वीकृति दे दी। भले ही यम ने उन्हें खींच लिया, परंतु उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और यम को पराजित कर मार्कण्डेय को शाश्वत जीवन प्रदान किया। उस दिन से मार्कण्डेय को चिरंजीवी और सदा सर्वदा अमर के रूप में जाना जाने लगा और उन्होंने स्वयं को भगवान शिव के प्रति समर्पित रखा। वह हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान संतों में से एक बन गए जो अपनी बुद्धि व भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकांश पुराणों में ऋषि मार्कण्डेय का सादर स्मरण किया गया है। स्वयं मार्कण्डेय के नाम से एक मार्कण्डेय पुराण भी है। ऋषि मार्कण्डेय की कथा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि विश्वास और भक्ति के साथ हम सबसे कठिन चुनौतियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। मृत्यु की मंडराती विपदा के बावजूद भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति की कामना करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी कहानी सांसारिक सुखों के ऊपर ज्ञान के महत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ता के मूल्य को चुनने का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता भौतिक धन या दीर्घायु से नहीं नापी जाती, अपितु हमारी आध्यात्मिक समझ की गहराई और उच्च उद्देश्य की पूर्ति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से मापी जाती है। ऋषि मार्कण्डेय समस्त संसार को विश्वास, भक्ति व ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रेरित करते हैं। इन सभी सद्गुणों को समर्पित भारत समन्वय परिवार ऋषि मार्कण्डेय को शत शत नमन करता है। इस देश की पावन धरा पर अवतरित होने वाले समस्त ऋषियों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।